और कहा कि चंद्रशेखर जी जो परेशानी जो दिक्कतें आपने उठाई हैं ये सारी खत्म हो जाएंगी, हम आपको राज्यसभा भेजने का काम करेंगे, हमारी शर्त है कि आपको भाजपा के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन साथियों उसको ना तो दबा पाए, ना दफन कर पाए, ना उसकी आवाज को बंद कर पाए। साथियों जब 17 महीने की पहली बार दंगे में सहारनपुर में दंगा हुआ था, भाई चंद्रशेखर जी 17 महीने बाद जेल से आए, आपको जानकारी होगी, बहुत प्रताड़ित किया सरकार ने, पुलिस ने प्रताड़ित किया, दबाव बनाया, भाजपा के नेता जेल गए, बड़े नेता जेल गए, ये अनुशासनहीनता है माननीय, बड़े नेता जेल गए और कहा कि चंद्रशेखर जी जो परेशानी जो दिक्कतें आपने उठाई हैं ये सारी खत्म हो जाएंगी, हम आपको राज्यसभा भेजने का काम करेंगे, हमारी शर्त है कि आपको भाजपा के लिए काम करना पड़ेगा। साथियों चंद्रशेखर जी का जवाब पता क्या था, आप भी जेल में साथ थे, कहा था चंद्रशेखर मर जाएगा, मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन जीवन में कभी भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। और साथियों राज्यसभा तो छोड़ दो, अगर आप मुझे देश का राष्ट्रपति बनाओ तो मुझे भारतीय जनता पार्टी मंजूर नहीं, त्याग दिया, छोड़ दिया, लात मार दी, राज्यसभा नहीं गए। वो कहा कि राज्यसभा की लड़ाई मेरी नहीं है, मेरी लड़ाई जो साहब काशीराम जी छोड़कर चले गए अधूरे कार्य उसको पूरा करना है, और इस समाज को ये 85% जो समाज है दलित मुस्लिम पिछड़ा इसको इस देश का हुक्मरान बनाने की लड़ाई है साथियों, और लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं साथियों। हमारा दायित्व बन जाता है, हमारा फर्ज बन जाता है सब लोगों का कि हम सब लोग मिलके भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करें, उनकी बातों पे हम लोगों को अमल करना चाहिए साथियों, उनको ताकत देनी चाहिए, युवा है जोश ताकत से भरे हुए साथियों। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सीएम नहीं, सीएम तो प्रदेश के बनेंगे एक दिन साथियों, एक दिन वो देश के पीएम भी बनेंगे। जो लड़ाई अधूरी रह गई थी काशीराम जी के जाने के बाद, उसको लड़ाई को पूरा भाई चंद्रशेखर जी करेंगे साथियों, बस आप लोग उनको हिम्मत देते रहिए, आप लोग उनको ताकत देते रहिए। हम चंदा इकट्ठा करने नहीं आए साथियों, हम पैसे मांगने नहीं आए, हम लोग तो चाहते हैं कि आप लोग इकट्ठा होकर उनको इतनी ताकत दे दो साथियों, जो हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, जो हमारे बुजुर्गों को अपमान होता है, जो तिरस्कार के जीवन जीने को हमें मजबूर किया जाता है, ये व्यवस्था खत्म हो जाए साथियों,